जय श्री कृष्णा सभी मित्रों को। आज का जो विषय है वो शनिदेव से संबंधित है। कैसे शनिदेव हमारी जन्म कुंडली में अपना भाग निभाते हैं, काफ़ी कुछ जीवन का इनके ऊपर डिपेंड करता है। वायु तत्व प्रधानता होती है, कुंभ मकर इनकी राशियां हैं, जहां पर मकर साधारण राशि है इतना इनका असर कम होता है मकर राशि पर। कुंभ राशि इनकी खुद की राशि होती है और तुला इनकी उच्च राशि। जैसा कि बताया, शनि से आप शनि की सेवा से, शनि की पूजा से आप हर नेगेटिव प्लैनेट को बैलेंस कर सकते हैं, खासकर राहु। राहु शनि की तरह फल देता है, माया ग्रह होता है। जैसे बात करें, देखो शनि जो है वो तृतीय भाव का भी कारक होता है, वहाँ पे राहु भी अच्छा रिजल्ट देता है। काल पुरुष की अगर कुंडली की बात की जाए, मिथुन राशि आती है, मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र होता है जो राहु का होता है, और पराक्रम भाव में राहु अद्भुत रिजल्ट देता है, वहीं शनि भी कारक होते हैं। छठा भाव बात करें तो वहाँ पे भी दोनों कारक होकर बैठते हैं। सप्तम भाव तुला राशि का, वहाँ शनि अद्भुत देते ही है क्योंकि उच्च के हो जाते हैं तुला राशि में। अष्टम भाव में भी शनि और राहु अद्भुत रिजल्ट देते हैं, और दसवां भाव मकर राशि खुद की राशि होती है, कुंभ राशि, एकादश भाव लक्ष्मी का भाव बोलते हैं, जिसके बड़े भाई बहनों का भाव बोलते हैं जिसे, उसमें भी शनि अहम रोल निभाते हैं। तो ये है शनि की और राहु की। अब शनि की दोस्ती है राहु के साथ में, राहु माया ग्रह है, राक्षस ग्रह है, और राक्षसों की जो मतलब ताकत होती है वो रात्रि को होती है, और शनि भी जो शक्ति होती है शनि की वो रात्रि को ही जागृत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो रात्रि में पूजा पाठ करते हैं मतलब साधना करते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं दिन की अपेक्षा। और चंद्रमा जो है, कॉम्बिनेशन देखिएगा आप, चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव का स्वामी, मकान वाहन माँ मान सम्मान जनता का होता है, वो भी रात्रि को ही बल प्राप्त करता है चंद्रमा। अमावस्या तक आते आते चंद्रमा अस्तित्वहीन हो जाता है, लेकिन शनि फिर भी रहते हैं, शनि का असर ज़्यादा होता है। शनि की बात की जाए तो देखिए आप, शनि तृतीय भाव के कारक, जब छोटे भाई बहनों का पराक्रम का कारक है, वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट दिया। छठे भाव के भी कारक हैं, मतलब कोर्ट कचहरी आदि का जो केस है उसमें भी इनके रोल होगा। सप्तम भाव व्यापार वाला भाव, दाम्पत्य सुख का भाव, कमर से कमर और कमर के नीचे का भाव, शुक्र बुध राहु के परम मित्र शनि उच्च के होकर यहाँ बैठते हैं। अब सप्तम भाव की अगर हम बात करें, व्यापार है तो व्यापार से संबंधित जो भी चीजें हैं उनमें शनिदेव का अहम रोल होगा। पार्टनरशिप का देखा जाए तो भी शनि का रोल अहम होगा। धोखाधड़ी का भी देखा जाता है तो शनि का रोल देखा जाता है। रोगों के जनक भी यही हैं, और थोड़े वृद्ध हैं, लंगड़े हैं, आंखें अंदर धसी हुई हैं, क्रूर हैं, नीच कहलाते हैं, तो काम में विलंब इतना कर देते हैं कि निराश हो जाता है। साढ़े साथी बहुत ही पीड़ादायक होती है कुछ लग्नों के लिए, तो जैसे कर्क है, वृश्चिक है, मेष है, धनु है, मीन है,
मंगल सूर्य बृहस्पति से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको ये कष्ट अवश्य देते हैं। न्यायाधीश हैं, मतलब जो भी इंसान कर्म सच्चे करता है, अपने कर्म पे ही ध्यान देता है, तो उसको पकाने के लिए है। भाई सोने को जितना हम अग्नि से देखेंगे, जलाएंगे, उतना ही वो निखरेगा। तो ये तब परीक्षा अवश्य लेते हैं और देते भी खूब हैं। इनकी पूजा पाठ की जाती है तो नौ ग्रहों को ये अकेले बैलेंस कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में भी अगर ये बैठते हैं तो आपको प्रसिद्धि दे सकते हैं और धन दौलत खूब दबा कर देते हैं। जैसे भगवान श्री राम की अगर जन्म कुंडली की बात की जाए तो चतुर्थ भाव में शनि उच्च के होकर बैठे थे, तो माँ को तकलीफ थी, मानसिक चिंता है, राम जी को भी थी और माँ को भी थी, तो वहाँ ये थोड़ी सी तकलीफ देते हैं, परेशानी देते हैं, लेकिन धन दौलत के मामले में अद्भुत होते हैं। सप्तम भाव में भी ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। सप्तम भाव से इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ती है। इनकी तीसरी दृष्टि काफ़ी खतरनाक होती है, जिस भी भाव पर पड़ती है उसको मतलब एक तरीके से बर्बाद कर डालती है, उस चीज़ में कमी ला देते हैं। सातवीं दृष्टि लगन पर पड़ती है, जो आपका शरीर है, तो रोगों के कारक भी हो जाते हैं। किस्मत धीरे धीरे साथ देती क्योंकि तीसरी दृष्टि है। दसवीं दृष्टि इनकी मकान वाहन माँ के घर पर पड़ती है, तो कभी कभी अपमान भी करवा देते हैं अगर शुभ स्थिति में ना हो। कोर्ट कचहरी अगर आपको जीत चाहिए तो उसमें शनि की स्थिति आप देखिए। दाम्पत्य सुख के, गुप्त चीजों के भी कारक यही हैं। सप्तम भाव में उच्च के ऊपर बैठते हैं, बुध के परम मित्र हैं, शुक्र के परम मित्र हैं, और बुध और शुक्र दोनों धन के प्रबल कारक हैं। अगर व्यापार चलाना चाहते हैं, कुछ भी आप कारोबार करते हैं, अगर आपको धन चाहिए, सफलता चाहिए, तो शनिदेव और सप्तमेश की स्थिति देखी जाती है। बात करें पार्टनरशिप में धोखाधड़ी, आपने पैसा लगाया, पैसा फंस गया, धोखा मिला, पार्टनर धोखा दे गया, तो वो भी शनिदेव का रोल होगा उसमें। शनिदेव काफ़ी कुछ निर्भर करता है। मान लीजिए आपका सिंह लग्न हो, तुला राशि के सूर्य मतलब तृतीय भाव में अगर सूर्य बैठ जाते हैं नीच के, और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ जाए, अर्थात शनि लग्न में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी हद तक नशेबाज होता है। दाम्पत्य सुख बर्बाद हो जाता है, मतलब हर रिश्ता, उसका हर रिश्ता नरक तुल्य हो जाता है, इतना कष्ट ये तीसरी दृष्टि से देते हैं। शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो पिता से अद्भुत लाभ मिलता है, भले ही पिता की कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो। धन दसवीं दृष्टि अगर सूर्य पर है तो धन खूब मिलता है पिता से। शनि की दृष्टि अगर शुक्र के ऊपर है तो दाम्पत्य सुख में थोड़ा कमी लाते हैं, देरी करते हैं, पत्नी से या प्रेमिका से थोड़ा सा दुख प्राप्त होता है, स्त्री जाति से थोड़ा दुख प्राप्त होता है। शनि की, बुध की और शुक्र की यदि दशा, अंतरदशा आती है तो स्त्री जाति मतलब लड़की की एंट्री होती है, और जैसे ही मान लो बुध की दशा आई, लड़की की एंट्री होगी, या शनि की दशा आई तो लड़की की एंट्री होगी, तो उसको माध्यम बनाकर दुख देंगे, तो थोड़ा सावधान रहें। यदि आप अपनी मतलब आपकी कुंडली में अगर दम नहीं है तो आपको शनिदेव की सेवा करनी चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप जाप कीजिए। खेजड़ी वृक्ष बोलते हैं, शमी वृक्ष बोलते हैं, उसको आप लगाइए, सायंकाल तेल का दीपक जलाइए, पश्चिम दिशा में आप पूजा पाठ कीजिए इनकी। काले तिल गाय को खिलाएं, काले तिल मिलाकर खीर का भोग लगाएं, इनको भी भोग लगाएं, गाय को भी खिलाएं, कौवे को भी खिलाएं, हर काली चीज़ों से इनका संबंध होता है। अगर आप अपार सफलता पाना चाहते हैं, रोगों से निदान पाना चाहते हैं, मकान वाहन का जो सुख है, दसवीं दृष्टि इनकी देखी जाए तो
मकान वाहन के ऊपर पड़ेगी अगर सप्तमेश में अगर ये बैठे हैं। कर्मेश भी यही होते हैं, कर्म कर्म करते हैं तो धन आता है, पिता हमारे जो है वो कर्म करते हैं जिससे लक्ष्मी आती है, और वहाँ से ये सम सप्तक होते हैं, सातवें स्थान पर बैठते हैं, सुख वाले भाव से, मकान वाहन वाले भाव से सप्तक सप्तम। और अष्टम भी बैठते हैं, कुंभ राशि आती है, एकादश भाव लक्ष्मी वाला भाव। तो अगर जीवन में बाधा आ रही है किसी भी काम में, किराए के मकान में रह रहे हो, मकान का सुख नहीं है, वाहन का सुख नहीं है, छोटे भाई बहनों के भी मैंने कहा तीसरे में कारक होते हैं तो वहाँ पे भी ये अहम रोल निभाएंगे, बड़े भाई बहनों के भी उसके बीच में ये अहम रोल निभाते हैं। कुंडली काफ़ी कुछ 80% कुंडली जो है 85% कुंडली आप मान लीजिए शनि के ऊपर डिपेंड करती है। अद्भुत बीमारियाँ राहु के साथ मिलकर देते हैं, सिद्धियाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसी प्रवृत्ति का होगा, तांत्रिक तंत्र मंत्र में भी शनि का रोल राहु के साथ मिलकर अद्भुत हो जाता है। अष्टम में ये लॉजिक काफ़ी दे देते हैं इंसान को, जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं उस चीज़ की। मानसिक दुख शारीरिक दुख देंगे जरूर, लेकिन जब अगर इनकी सेवा की जाए तो धन दौलत व्यापार अद्भुत चला देते हैं। सूर्य के प्रबल शत्रु हैं, ये आपके राहु को बैलेंस कर देंगे। राहु भी बहुत पीड़ाकारक ग्रह है, गंदी बीमारियां देता है और यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट देता है अपनी महादशा में अगर शुभ नहीं हो तो राहु। कुछ हटके मतलब ऐसे कर्म भी करवा देता है राहु, जो ऐसे डिसीजन दिलवा देता है राहु कि बाद में जीवन भर पछताना पड़ता है। शनि देव 7:30 में बहुत कष्ट देंगे, उसके लिए वो माध्यम बनाते हैं, कुछ आपसे ऐसा काम करवा देंगे ताकि आपको पूरी 7:30 मृत्यु तुल्य कष्ट हो, तो थोड़ा सावधान रहें। या यदि आप अपना व्यापार अगर चलाना चाहते हैं, यदि आप अपना व्यापार चलाना चाहते हैं उसमें पारंगत होना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, नज़र बाधा प्रेत बाधा जो भी बाधा है उस चीज़ को शनिदेव की पूजा से आप दूर कर सकते हैं, रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली को संजीवनी प्रदान कर सकते हैं शनि की पूजा से, शनि के मंत्रों से। दशरथ शनि स्त्रोत्र जो है उसका खेजड़ी यानी शमी वृक्ष के नीचे बैठकर तेल का दीपक जलाकर सेवा कीजिए, रात्रि में इनकी पूजा अत्यंत शुभदायक होती है, फलदायक होती है, कारोबार को कोई नजर नहीं लगती इनकी सेवा से। पीपल में इनका वास माना गया है तो पीपल में जल चढ़ाने से काले तिल और काली उड़द इनको बहुत पसंद है। जो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, वृद्धों को, नौकरों को, मजदूरों को सम्मान करते हैं, पुरानी चीज़ों का दान करते हैं, उनको ये अद्भुत लाभ पहुंचाते हैं। अगर ये सप्तमेश होकर लग्न को देखते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा भयभीत भी रहता है। दशरथ जी ने और श्री राम ने इनका जो दशरथ कृतनी स्तोत्र है और समी के वृक्ष की पूजा करके ही अतुलित धन और विजय प्राप्त की थी। तो आप भी फायदा उठाइए, आप भी सेवा कीजिए इनकी, इनकी सेवा से राहु और जो भी नेगेटिव प्लैनेट है उसको शुभ कर लीजिए आप। राहु भी इनकी पूजा से अद्भुत लाभ देता है। इनके मंत्र बीज मंत्र हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इनके जो कुलदेव हैं, इष्ट देव हैं, भगवान शिव हैं, उनकी सेवा करने से भी ये अद्भुत रिजल्ट देते हैं। हनुमान जी की सेवा करने से भी ये बैलेंस हो जाते हैं। तो आप शनिदेव की आप सेवा कीजिए,
आपको हर तरीके का सुख मिलेगा, आपकी आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो सिर्फ आप इतना कीजिए, शनि देव की पूजा से आप फायदा उठाइए, हर चीज में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो जय हो शनि देव की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।